सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। और दीपावली का सीज़न चल ही रहा है, इसमें आप तरह तरह की आप मिठाइयाँ बना ही रहे हैं, तो आप इस सीज़न में और इस दीपावली के त्यौहार पे आप शक्करपारे बनाएं, वो भी नए तरीके से, वो भी तिल वाला। तो इसके लिए हम तिल ले रहे हैं, सफ़ेद वाला तिल ले रहे हैं, और मैदा है हमारा करीब 250 ग्राम। मैदे को हमने छान लिया है, चीनी है, जैसा आप मीठा खाना चाहें वैसे इसमें हम 250 ग्राम इसमें हम करीब 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा हम डाल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके लिए मोइन के लिए हम डालेंगे देसी घी, ये आधी कटोरी है लमसम, ये हमारे पास इसमें ये 100 ग्राम है। और ये थोड़ी सी पीसी चीनी है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा चुटकी भर नमक है, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल है। और इस तरह के शक्करपारे बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, आप इस त्यौहार को ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हम इसका मोइन लगाएंगे, और इसके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी हमारा गर्म हो रहा है। और इसके लिए हमने एक बर्तन में एक कप पानी हमने, जितना हमारा आटा गूंथ जाए उस हिसाब से हम इसमें पानी रखेंगे। और पानी गर्म हो रहा है, और लीजिए पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, और चीनी को इसको धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। पकाना क्या, कोई आंच नहीं बनानी है हमको, बस इसको थोड़ा घुल जाए, और इस तरह से इसको घोल लेना है। और देखिए इसमें फटाफट चीनी भी घुल गई है, और गैस को हम ऑफ कर देंगे, और इसमें देसी घी डाल देंगे। और शक्करपारे में मोइन बढ़िया डालना चाहिए, इससे शक्करपारे में खुश्क बनेंगे और अच्छे बनेंगे। और इसको हम इसी में खोल लेंगे, और देखिए काफी अच्छे से ये घुल गया है, बस जरा सा रह गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसमें इसका आटा गूंथेंगे। और लीजिए जब तक हमारा तेल और यानी घी और चीनी का मिश्रण ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसमें मैदा डाल देंगे। और मैदा डालने के बाद इसमें हम अपने सफ़ेद तिल लिए हुए वो डाल देंगे, और इसमें चुटकी भर नमक, और इसको हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और इस तरह आटा इसका अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। और इसको हम नए तरीके से बनाना बताएंगे, और इसको हम सिंपल काट के बेल के उस तरह नहीं बनाएंगे, और इसको आज हम सूप में एक नया डिजाइन बनाएंगे। थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, और देखिए इसको अच्छा सा हमने आटा गूंथ के रख दिया है। अब इसको हम करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे, और उसके बाद इसको तब तक आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अभी तो हमने थोड़ा टाइट गूंथा है, क्योंकि गर्म पानी से भी हल्का गुनगुना था, तो अब इसको हम रख देंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। और करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, और हमारा आटा भी देखिए कितना अच्छा से सॉफ्ट हो गया, देखिए इसमें इस तरह। अब इसको हम एक बार हाथ से ऐसे अच्छे से मसल देंगे इसको, और फिर इस तरह इसके हम, आप इसको मीठी खजुरिया भी बोल सकते हैं, और शक्करपारे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम खजुरिया टाइप में बना रहे हैं, तो इसको हम मीठी खजुरिया भी बोलेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ही छोटी छोटी इस तरह लोइयां बनानी है, और इसको अच्छा सा हम हाथ से भी चिकना कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम बनाना शुरू करेंगे।
देखिए इस तरह, और उसको हाथ से इस तरह सारे गोले बना लेंगे इस तरह। और देखिए हमने इस तरह के सारे गोले बना लिए हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे बनाए हैं, ज्यादा बड़े में नहीं रखने हैं। और इस तरह अब हम एक सूप लेंगे, और सूप हमारा देखिए पुराना है काफी, मगर हम इसमें ही बनाएंगे। और देखिए इस तरह, और इस तरह हम लोग लेके हाथ में इस तरह दबाएंगे, और इसको हम ऊपर से ऐसे दबाते हुए इसको हम ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन भी बन गया है। और जब तक हम इसको तलेंगे तब उसके बाद देखना इसकी डिजाइन और स्पष्ट आपको दिखाई देंगे। और देखिए अंदर से इस तरह होल भी टाइप का लग रहा है, और ये बन भी गया है। और इस तरह हम सारे हम इस तरह बनाएंगे, और बस यहाँ से ऐसे दबाते हुए इसको हम यहाँ से ऊपर से ऐसे इस तरह और सेम इसी तरह हम सारे हम और बिल्कुल खजुरिया स्टाइल में बना हुआ है। और इसी तरह काट के आप शकर पारे भी उसको शकर पारे या मीठी खजुरिया आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए इस तरह, और सब इसी तरह हम बना लेंगे। और देखिए हमने इस तरह प्लेट तैयार कर ली है इस तरह, और देखिए कितना अच्छा डिजाइन आया हुआ है। इसी तरह हमने बना लिया है। और इस तरह मीठे शक्कर पारे बनाने के लिए हम थोड़ा सा एहतियात ये बरतेंगे कि हम जो आँच घी का रखेंगे टेम्परेचर, तो वो थोड़ा नॉर्मली रखेंगे, बहुत तेज आँच में नहीं सेकेंगे, क्योंकि इसमें चीनी पहले से मिली हुई है, और चीनी मिलने से ये होता कि फटाफट ये आँच पे जैसे जाएगा वैसे ही सिकना शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा धीमा सेकेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ हम थोड़ा धीमे सेकेंगे तो अच्छी कुरकुरी बनेगी। तो थोड़ा हम ये देखेंगे, तेल देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डाल के। तेल भी हमारा मीडियम वाला, एक बार इसको हमने गर्म करने के बाद थोड़ा धीमा कर दिया था, अब तेल हमारा बिल्कुल टेम्परेचर इसका सही है। और इसी बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें तेज आंच में बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और देखिए तेल भी हमारा हो गया है, और इसको हम निकाल देंगे। अब इस तरह प्लेट तैयार की हुई, और थोड़े थोड़े ही डालेंगे एक बार में हम इसमें, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और इस तरह शक्कर पारे बना के आप 2 से 3 हफ्ते इसको बना के आप रख सकते हैं, और ये जल्दी खराब नहीं होता है। और इसको हम करीब 1 मिनट ऐसे पड़ा रहने देंगे। और देखिए इसमें तिल भी थोड़े जो हमने डाले थे वो अलग अलग हो गए हैं, और घबराने की कोई बात नहीं, जो ऊपर से अलग लगे होते हैं तो निकल जाएंगे थोड़े बहुत। हल्का से इसको हम थोड़ा सा टर्न करेंगे, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इसको पलट लेंगे, देखिए हम आंच को थोड़ा धीमा ही रखेंगे। इसमें मोहन अच्छा पड़ा हुआ है, और इसको थोड़ा आराम से चलाएंगे, और बहुत ही खुश बने हुए हैं ये। और देखिए इसको पलट पलट के हमने सेका है बढ़िया और काफी अच्छे से। अब इसको ऐसे उतार लेंगे,
और इसको मिक्स करने पे इस तरह निकाल निकाल के छान लेंगे, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है वो अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह अब हम दूसरा सीख रहे हैं और एक बार में थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। और इसे डालने के बाद हम करीब 1 से 1.5 मिनट इस तरह रहने देंगे इसको, और उसके बाद इसको हल्का सा पलट देंगे और हम सेम उसी प्रोसेस से उसी तरह सारे हम शक्करपारे या मीठी कचौड़ियाँ उसको फ्राई कर देंगे। और इसको मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इस तरह, क्योंकि ये निकालने के बाद भी इसकी पकने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको पहले ही निकाल देंगे और धीमे धीमे ये हमारा फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और देखिए सारे हमने बना लिए हैं और देखिए कितने अच्छे इसमें डिजाइन भी आया हुआ है और दिल भी अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही खुश बने हुए हैं। ये देखिए इसे अंदर तक पकने हैं बिल्कुल और बहुत ही खुश बना हुआ है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा पिसी हुई चीनी का वो डस्ट कर देंगे और जिससे हमारी चीनी चारों तरफ ये और लीजिए बनके तैयार है हमारे शक्करपारे या मीठी खजूरिया भी बोल सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। Oh, oh, oh.